क्वेश्चन थर्ड देखो, तीसरे टाइप का, क्या टाइप है इसमें? डिनोमिनेटर में माइनस में दिया हुआ है अंडर रूट फाइव, मतलब दो अंडर रूट हो, तो कैसे करेंगे? तो ये हमने ऐसे लिख दिया अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू, ऐसे ही रहा। और यहां पे क्या है? अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू। तो इसको रेशनलाइज करेंगे। सर कैसे पता चलेगा कि रेशनलाइज करेंगे? देखो ध्यान से, जब भी अंडर रूट में डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस में दो अंडर रूट आ जाए या सिंगल एक अंडर रूट भी आ जाए तो उसको रेशनलाइज करते हैं। क्यों रेशनलाइज करते हैं? ताकि नीचे से अंडर रूट हट जाए। अच्छा नहीं लगता मैथ में लिखा हुआ नीचे अंडर रूट, तो उसको हटाने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, यहां पे फिर वही लिख देंगे अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन? जो ये साइन दिया हो डिनोमिनेटर में उसका साइन बदल दिया, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इस पूरे को मैंने ए मान लिया, ऐसे ही करना, आपके एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प देगा। अभी आपको लग रहा है कि सर ऐसे अजीब सा लग रहा है, कोई अजीब सा नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो। अब ऊपर क्या बन गया, इस पूरे को ए माना, तो ए प्लस बी ऊपर क्या बना, ए प्लस बी, और इधर भी क्या बनेगा, ए प्लस बी, और नीचे देखो ध्यान से क्या बनेगा, इसको ए माना था तो ए माइनस बी, और इधर भी ए प्लस बी। इसको काट मत देना, कहीं से इसको काट दोगे, अरे सर काट दे तो, अरे काट दोगे तो वापस वही नहीं आ गया, फिर हम कर क्यों रहे हैं, आई बात समझ में, काटना नहीं है। अब ध्यान से देखो ऊपर कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, दोनों जब एक जैसे हो, x मतलब a प्लस b, a प्लस b किसी भी नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होती है, तो क्लास नाइन्थ में हमने सर्ट सेट इंडिसेस पढ़ा है, क्या होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ध्यान देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ऊपर का स्क्वायर हमें पता है तो खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्या यूज करना, प्लस टू ब्रैकेट के अंदर ए और ब्रैकेट के अंदर बी, ये ब्रैकेट आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन को इजी बनाने में। और अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बी का स्क्वायर, बस इतना आपने कर लिया। अब देखो कितना सिंपल हो गया, हम नेसेसरी फालतू के कैलकुलेशन से बच गए। ए की जगह क्या लिखेंगे, रूट फाइव, और बी की जगह रूट टू, तो रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट के अंदर रूट फाइव और यहां पे रूट टू, क्लियर है यहां तक? और नीचे देखो क्या आएगा, रूट फाइव का स्क्वायर और माइनस रूट टू का स्क्वायर, क्लियर है? अब देखो जब भी रूट का स्क्वायर हो तो मतलब रूट हट जाता है, तो ऊपर आया पांच और इधर से आ जाएगा दो, और उधर से कितना आएगा दो, और अंडर रूट फाइव और अंडर रूट टू मिलकर दोनों अंडर रूट में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है अंडर रूट टेन, और नीचे क्या आएगा, देखो पांच फाइव और फाइव में से टू गए, तो क्या आंसर आएगा, एक साथ क्लब करके लिख दो इसको। क्लब करके कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, मतलब फाइव और टू सेवन, सेवन प्लस उधर से कितना बचा है टू अंडर रूट टेन, और नीचे कितना आएगा फाइव में से थ्री। अब ध्यान देखो इसका आंसर ये भी नाइन अंडर रूट टेन अपॉन थ्री, ये नहीं लिखना है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, इस फाइव और इस टू, इस सेवन और टू को ऐड कर देते हैं। बेटा ये मत करना, क्यों नहीं करना, इसके साथ अंडर रूट है और इसके साथ सिंगल नंबर है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल ऐड नहीं होते, ऐसे ही लिखे जाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है अच्छे से? तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा, तो अच्छे से नोट डाउन करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ये, तो याद रखना अच्छे से, कोई गलती मत करना, एक ही मौका मिलेगा एग्जाम में, अच्छे से सब समझ के करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाओ, बेल आइकन दबाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। और प्लेलिस्ट देखना चैनल पर जाके, उसमें नंबर सिस्टम के मैंने 10-20 क्वेश्चन करवा रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं रेशनलाइजेशन के, अभी रेशनलाइजेशन ही करवा रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या है, आपको सारे कंसेप्ट आप पढ़ते नहीं हो तो आपके मार्क्स कहां से आएंगे, रेशनलाइजेशन में भी जितने टाइप के क्वेश्चन है मैंने कोशिश करी है सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं, वही मैं करवा रहा हूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेक्चर लंबे हो रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, आपके कंसेप्ट स्ट्रोक होंगे। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो अगला टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट। ऊपर वाले को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20, फिर 2 से डिवाइड किया तो 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5, और यहां पे भी 5 और 1, तो इसके क्या फैक्टर हो गए प्राइम फैक्टर 40 के,
2 × 2 × 2 × 5 / √3। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी अंडर रूट में सेम नंबर आ जाए दो एक जैसे, तो वो दो मिलके एक बाहर आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया अब यहां से, 2 × 5, मतलब दो को दो पेयर मिल जाए तो उसको काट के एक बाहर लिख दो, और इधर क्या बचा, √3। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 2 √10 / √3। अब इसको हमें रियलाइज करना है, क्वेश्चन ये था हमारा, आई बात समझ में, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ध्यान रखना ये गलती मत करना, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत बच्चे करते हैं इसको, हमें रेशनलाइज का मतलब ही क्या है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करो फिर उसके बाद सोल्व करो। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 2 √10 / √3। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया, लिख देना यहां पर अप्लाइंग रेशनलाइजेशन या आफ्टर रेशनलाइजेशन या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो ऊपर देखो क्या बच रहा है, ये बच गया √10 × √3, और नीचे क्या आएगा देखो, √3 √3 मिल गया पूरा पूरा 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 / 3 बाहर आए इधर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर √10 और √3 मिलके √30 हो जाएंगे, रूट के अंदर अगर नंबर एक वैसे हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका अल्टीमेट ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से क्लियर है, नोट डाउन करो, कोई गलती मत करना, यही है इसका तरीका करने का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पक्का आप गलत करोगे एग्जाम में, आई बात समझ में, तो अच्छे से देखना वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो मिले आए उसको तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाए, और चैनल पे जाओ प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, नंबर सिस्टम नाम से एक फोल्डर मिलेगा क्लास 23-24 से, उसमें मैंने रेशनलाइजेशन के जितने टाइप के क्वेश्चन है सब करवा रखे हैं, आपने अगर उनको देख लिया आपको रेशनलाइजेशन में कभी फ्यूचर में किसी भी तरह के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा चैलेंज है ये, कभी हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे से आगे देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने, आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते तो पूरे मार्क्स कहां से आए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे टाइप के क्वेश्चन करवा सकूं जितना कंटेंट है अवेलेबल, ठीक है, तो नोट डाउन करो अच्छे से आप ही के लिए, ठीक है, अगला करते हैं तब तक।